Okay. So, सेवेंथ का आंसर मैं कर देता हूं, बता देता हूं, बीटा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन अल्फा। तो सी एच बॉन्ड एनर्जी वो दिया हुआ है, दैट इज ये ऐसा है। तो किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा? तो बॉन्ड एनर्जी मीन्स होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है ना, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करके चेक करो कि किसका इंटरमीडिएट सबसे अधिक स्टेबल है। जिसका सबसे स्टेबल होगा वो इजिली फॉर्म होगा, तो जो इजिली फॉर्म होगा उसके लिए एनर्जी काफी कम लगेगा। समझ रही है? तो यहाँ पे अगर बीटा गया तो दिस विल फॉर्म, अल्फा गया तो ऐसा फॉर्म होगा तीन, अगर बीटा गया तो विनाइलिक फ्री रेडिकल, अल्फा गया तो अलाइलिक फ्री रेडिकल, गामा गया तो नॉर्मल फ्री रेडिकल। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन है? अलाइलिक फ्री रेडिकल, ये वाला स्टेबल है। मतलब क्या हो, इजिली फॉर्म होगा। जो सबसे अनस्टेबल है उसको ब्रेक करने में यू नीड वेरी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म वेरी इजीली बिकॉज दिस इज हाईली स्टेबल। तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा, तो जो अल्फा सी एच बॉन्ड है उसका एनर्जी सबसे कम होगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा बिकॉज इट्स इंटरमीडिएट इज स्टेबल। विनाइलिक इज लीस्ट स्टेबल, so you need a very much amount of energy to get to break CH bond of beta CH bond. The intermediate form hoga that is highly unstable. ठीक है, ओके। ओके देन, जो कल सिखाया मैंने केमिस्ट्री में, जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए, देन ऑस्टर वॉकर मेथड, देन हाँ सर, उसमें आपने वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिखाया था ना?
हाँ जो लास्ट जो कल मैंने सिखाया उसमें कुछ है क्या डाउट सर? वो जो आपने बोला बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर सब क्रिएट हो जाता है, तो उधर सब मॉलिक्यूल्स के मतलब जो हमने किया था यूएमपी में थोड़े ही मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, वैसे बॉइलिंग पॉइंट पे सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वो लिमिट तक जाती है क्या? हाँ उसमें मतलब विद इन बल्क में भी जो लिक्विड में भी जो मॉलिक्यूल्स है वो भी वेपर में कन्वर्ट होने लगता है विद इन बल्क में, तो इसलिए अपने को जो जब तुम बॉइल करोगे तो नीचे से तुमको ये दिखता है कि अंदर से भी बबल्स होते हैं जनरेट। हाँ सर। तो फिर जो मॉलिक्यूल इनसाइड लिक्विड है तो दैट ऑल्सो स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू पेपर। तो यहाँ भी तो अंदर में जो लिक्विड है वहां भी वेपर जनरेट होता है, तो वेपर इज लाइक गैस, सो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट बबल जनरेशन इनसाइड द बल्क एक्चुअली ऑफ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट। हाँ सर। वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया था नीरज वो समझ में आया क्या? वो बेंजीन टॉल्विन लास्ट स्ट्रेस ऑफ वेपर लास्ट स्ट्रेस ऑफ लिक्विड। हाँ सर वो समझा। हाँ सर समझा। और कोई सत्यन बोलो। हाँ बोलो सर। वो आपने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब ऐसा बोला था कि मतलब एग्जांपल में ऐसा दिया था कि पी नॉट ऑफ वाटर मतलब प्योर वाटर इज 20 mm ऑफ Hg एट 0°C और तभी एट 0°C पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन 18 mm दिया था। हाँ और आपने पी नॉट ऑफ आइस 20 mm ही लिया था। हाँ और फिर वो टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद पी सॉल्यूशन उतना ही लिखा था मतलब 18, सॉल्यूशन। हाँ तो वो तो चेंज होगा ना मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपने वो पी सॉल्यूशन। हाँ तो पी नॉट ऑफ नहीं नहीं जो अपना आइस है एक सेकंड नहीं मतलब आप हाँ बोलो आपने वो -1°C पे पी नॉट आइस 20 mm से 18 कर दिया था। हाँ पर आपने पीस वो सॉल्यूशन 18 mm से 18 ही रखा था, वो भी तो चेंज होगा ना मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ कि ऐसा क्वेश्चन था मेरा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इज एग्जैक्टली द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर सॉलिड, सो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो अभी तुमने जैसे ही तुमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया सॉल्यूशन में तो उससे क्या हो जाएगा, उससे दिस इज एक सेकेंड मैं फिर से करता हूँ ड्रॉ। हाँ सर। ये ऐसा मैंने किया ठीक है सर। तो यहाँ पे अभी पी नॉट 18 mm है, जैसे तुमने नॉन वॉटर सॉल्यूट ऐड किया तो पी नॉट हैज डिक्रीज 18 mm ठीक है। नाउ अभी सॉलिड जो आइस है, आइस का जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ आइस if that becomes equal to 18 mm at that point the ice is going to this is going to freeze. मतलब जो अभी तुम उल्टा अज्यूम करो कि जो आइस है मतलब जब वाटर आइस में हुआ कन्वर्ट तो उस इंस्टेंट क्या हो गया, उस इंस्टेंट तुम्हारा वेपर प्रेशर हैज बिकम जब प्योर वाटर आइस में हुआ कन्वर्ट तो वेपर प्रेशर ऑफ आइस हैज बिकम 20 mm ठीक है ना, इसलिए 0° पे दोनों फिर ये हो गए फ्रीज हो गए।
तो यहाँ पे जब वो तो इस पे दोनों मैच हो गए है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों मैच हो गए। आइस प्योर वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो आइस का जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब उन्होंने इसमें ऐड किया तो अभी जब जब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पे जब अगर ये सॉल्यूशन तुमने इसमें तुमने 0 डिग्री तुमने रखा, मतलब तुमने इसका टेम्परेचर 0 डिग्री तुमने रखा इसका, ठीक है, तो 0 डिग्री रखा तो उसपे क्या होगा ये मतलब जो आइस है अगर ये सॉल्यूशन आइस में कन्वर्ट होता है 0 पे, ठीक है ना, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी 20 mm इटसेल्फ, 20 mm, लेकिन चाहिए कितना, 18 mm अपने को होना चाहिए। तो हाँ सर जो जो आइस है उसका उसका प्रेशर 18 mm कब होगा, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज। हाँ सर, तो मेरा ये डाउट था कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो फिर वो पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब भी वो तो चेंज होगा ना, मतलब तो वो 18 ही नहीं रहेगा ना, वो भी चेंज होगा, ऐसा मेरा डाउट। नहीं मतलब देखो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पे अगर ये 18 है, तुम ऐसे समझो कि जैसे ही ऐड किया इसमें, ठीक है ना, तो तुमने जैसे ही नॉन वाटर सॉल्यूट ऐड किया तुमने इसमें, तो इसका वेपर प्रेशर पी विल बी लेस देन पी नॉट हो जाएगा, हाँ सर पी ऑफ सॉल्यूशन भी लेस देन पी नॉट। तो अभी अभी मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया कि किस मतलब जब मतलब जो इसको फ्रीज करना है, ठीक है ना, तो फ्रीज करने के बाद तुमने जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये पी भी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ठीक है, लेट्स से ये पी हो गया, बिकम्स अ पी प्राइम, ठीक है, तो हाँ पी भी डिक्रीज होगा एंड वही पी प्राइम आइस के किस टेम्परेचर से मैच होगा वहां पे फिर दोनों फ्रीज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो समझा मैंने वो हम एक्चुअली ये किया था कि मतलब कि वहां पे भी सॉल्यूशन का पी डिक्रीज होगा, दैट इज ट्रू, ठीक है ना, लेकिन सर। हाँ ठीक है, जहां पे आइस का पी द वेपर प्रेशर ऑफ आइस बिकम्स इक्वल टू डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देन इट इज गोइंग टू फ्रीज, हाँ सर, समझ रहे। तो मैंने वो एग्जैक्ट मैंने मैंने जस्ट एक एज अ एग्जाम्पल मैंने लिया था वो, ठीक है ना, हाँ तो दिस इज ट्रू कि एज टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन विल आल्सो डिक्रीज। सर ठीक है, तो वो था कि जहां पे दोनों इक्वल होंगे वहां पे वो फ्रीज हो जाएगा वो। हाँ हाँ सर नितेश समझे बोलो सर, मेरे को दोनों ग्राफ्स में कंफ्यूजन था, बोलो। समझा ही नहीं सर वो, मतलब नहीं समझा नहीं, दोनों ही ग्राफ नहीं समझे। हम लोगों ने पी वर्सेस टी ग्राफ हम लोगों ने किया था कभी, ये है यार, हाँ ये इस तरह किया था हम लोगों ने ग्राफ, हाँ दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज वेपर। हाँ तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने कि यहाँ पे अभी क्या करना है अपने को, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए ऐसा ही आएगा ग्राफ, हाँ तो मतलब ग्राफ का शेप कुछ भी हो, ठीक है ना, मतलब ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा, मतलब एग्जैक्ट मतलब इट वॉन्ट बी पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, इट इज अ फ्री हैंड से मैंने ग्राफ को किया ड्रॉ, ठीक है, हाँ
तो लिक्विड और तो मैंने इसको फिर कन्वर्ट किया था कि जब अपने को सिर्फ लिक्विड और पेपर के लिए अपने को मैंने प्योर वाटर या प्योर जो है सॉल्वेंट उसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये इस तरह मैंने सिर्फ जो अपर वाला ग्राफ है उसके लिए किया था, दिस इज पी वर्सेस टी। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ये इट इज बाय अ फ्री हैंड वी हैव ड्रॉन, ठीक है। ग्राफ का एग्जैक्ट शेप अपने पास नहीं है, फ्री हैंड से मैंने ड्रॉ किया ये। अगर आ रही है आवाज आ रही है, हाँ हाँ हाँ, वो फोन नीचे गिर गया। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो, फिर तो ये मैंने ड्रॉ किया मैंने ये, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हो गया, अभी अभी इसमें अपने को बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट लेट्स से P ATM, ये अपना 1 ATM है। तो 1 ATM पे मैंने ये ड्रॉ किया, तो दिस इज द टेम्परेचर एट विच दिस इज गोइंग टू बॉइल, ऐसा। This is the temperature at which this is going to boil. हो जाएगा? हाँ। तो फिर यहाँ पे अभी ये तुमको क्या था, दिस वॉज प्योर सॉल्वेंट था ये, एंड वी हैव टेकन दिस एज अ वॉटर। अभी क्या इसमें हम लोगों ने सॉल्यूट एड किया, सॉल्यूट ऐड करने पे क्या होगा, द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। तो इस टेम्परेचर पे अगर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 1 ATM है, तो अगर जो होगा सॉल्यूशन उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एट दिस टेम्परेचर। जो नेक्स्ट टेम्परेचर जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो प्रेशर तो सॉल्यूशन का उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया मैंने, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लेट्स से ये, तो सॉल्यूशन का प्रेशर यहाँ पे होगा, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर यहाँ पे होगा। तो इन सब को किया ज्वाइन, तो इट इज गोइंग टू बी अ लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस, बिकॉज वी आर टेकिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है सर। बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे ज्यादा रहेगा ना प्योर वाटर से। हाँ, तो प्योर वाटर से तो अगर जो सॉल्यूशन है तो बॉइलिंग पॉइंट मींस टेम्परेचर मींस प्रेशर को तुम एक्सटेंड करोगे तो दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वन। अच्छा, सॉल्यूशन वन हो जाएगा, समझा सर। फिर जो नेक्स्ट है जो मैंने सेकंड लिया सॉल्यूशन उसमें और मैंने ऐड किया तो ये और कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज उसमें और मैंने सॉल्यूट ऐड किया है। हाँ, समझा सर। ऐसा ही हम लोगों ने फ्रीजिंग के लिए किया। हाँ, फ्रीजिंग का भी समझा अभी वो क्या कंफ्यूजन था। हाँ। ठीक है, और कुछ? हाँ नितेश सर, वो वैक्यूम का वैक्यूम में मेल्टिंग पॉइंट नहीं बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट तो एकदम थोड़े से पर ही हो जाता होगा फिर। हाँ, तो वहां पे अगर प्रेशर है ही नहीं तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं तो
वहां पे लिक्विड एक्चुअली लिक्विड का शेप ही उसी फॉर्म में रहेगा ना. किस फॉर्म में सर, वो नहीं समझ. मतलब अगर तुम जैसे लिक्विड ड्रॉपलेट है, हाँ, तो जो लिक्विड ड्रॉपलेट का होगा मतलब, हाँ समझा वो. अगर वैक्यूम की बात, अगर 100% ये है मतलब वैक्यूम है, उधर तो जीरो प्रेशर रहता है ना. हाँ तो प्रेशर इज जीरो, तो वहां पे लिक्विड मतलब होगा ही नहीं ना, बॉयल की होगा नहीं होगा ना सर, क्योंकि अगर एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, ठीक है, हाँ. तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आल्सो हैज टू बी जीरो. तो लिक्विड अगर थोड़ा सा भी इवोपरेट हुआ तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फिर आ जाएगा, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो. तो फिर वहां पे जो लिक्विड का शेप होता है उसी शेप में लिक्विड रहेगा, वो वेपराइज भी नहीं होगा वो. और सर अगर 100% प्योर नहीं है तो फिर तो एकदम थोड़े से टेम्परेचर पर ही हो जाएगा ना फ्रीज या. हाँ मतलब थोड़े से ही टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू जो एक्सटर्नल स्मॉल जो पी है, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा. सर तो फिर ये बॉइल भी हो सकता है एंड फ्रीज भी हो सकता है ना, वही थोड़ा भी चेंज करते से. हाँ फिर वो डिटरमाइन कैसे करेंगे क्या कि वो बॉइल होगा कि फ्रीज होगा तुरंत? नहीं बॉइल होगा कि फ्रीज होगा मतलब क्या, नहीं क्वेश्चन ही समझा मुझे, क्या बोल रहे तुम? सर वो समझेगा कैसे कि मतलब वैक्यूम अगर 100% वैक्यूम नहीं है तो फिर समझेगा कैसे क्या कि फ्रीज हो रहा है या बॉइल होगा? सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर काफी कम हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर P वर्सेस T अगर ऐसा है तो दिस इज सॉलिड लिक्विड वेपर, उसमें अगर प्रेशर काफी कम हो गया तो इट विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड वेपर. अगर तुमको टेम्परेचर, अगर तुमने प्रेशर अभी एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे सॉलिड और वेपर ही एग्जिस्ट मतलब होगा. ठीक है समझा. ये जो ट्रिपल पॉइंट है याद है, ये ट्रिपल पॉइंट मतलब तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिपल पॉइंट के नीचे सिर्फ सॉलिड और वेपर ही, अगर प्रेशर काफी कम हो गया तो यहाँ पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट ही नहीं होगा वहां पे. अगर वो जो पर्टिकुलर जो सॉलिड का वो जो लिक्विड है उसका ट्रिपल पॉइंट काफी हाई है, हाँ. तो उस पे डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड किस स्टेट में रहेगा, कि सॉलिड लिक्विड या लिक्विड वेपर या डायरेक्टली सॉलिड वेपर. हाँ समझा. दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड सब्सटेंस. हाँ ठीक है समझा. और कोई बोलो नेक्स्ट. कल जो सिखाया, कल का जो रात का वीडियो अपलोड किया मैंने, वो सबने किया क्या, देखा या नहीं अभी तक? देखा है सर, वो ही देखने का है. हाँ पता ही नहीं, मतलब मैं 6 बजे देखा था तभी अपलोड नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि आज मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डालोगे आप, इसलिए वो रह गया. आज देखने 9 बजे तक रात के, क्योंकि वो अपलोड होने में टाइम लगता है, नेट काफी ये होता है ना, स्लो होता है ना रिकॉर्डिंग, तो मेरा सारे 10 तक ही होता है, कंप्लीट होता है मेरा हर दिन, लेकिन वो अपलोड करने में 12 कभी 1 कभी 2 भी होता है अपलोड होने में. हाँ सर.
नेक्स्ट बोलो तो आज हम लोग फिजिक्स में फिर आगे बढ़ेंगे और विल गो फॉर द डायनेमिक्स ऑफ कंबाइंड मोशन ओके उसपे सामसी अपने को करने हैं मेनली तो आई विल बी गिविंग यू सम यू पॉज करके तुम खुद से सॉल्व करो देन यू मैच द आंसर आफ्टर अटेम्प्टिंग ओके हाँ सर और प्रणव हाँ सर हाँ सर वो जो एडवांस के जो डाउट्स है ना हाँ सर वो मुझे तुम ये कर दो उसका स्क्रीन फोटो लेके मुझे भेज दो पर्सनल पे मुझे भेजना हाँ सर ठीक है तो एडवांस के लिए कल परसों में कभी एक टाइम फिक्स मतलब करेंगे फिर ओके ठीक ठीक है हाँ सर तो मतलब कॉमन डाउट्स तो हो गए ना कर लिए ना तुम लोगों ने कॉमन डाउट हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाले और करंट इलेक्ट्रिसिटी के निकाल रहे हाँ तो वो करके मुझे भेज दो आजकल में तो विल फिक्स सम टाइम एंड वी विल डिस्कस इट ओके हाँ सर ठीक है